आई थिंक ये बहुत ही गलत चीज़ है, जिस तरह से ये खुलेआम इतनी हिम्मत आ जाती है लोगों में और एक छोटी सी बच्ची को उठाकर उसका रेप कर, तो बहुत ही घटिया चीज़ है जिस जिन्होंने भी किया है, शर्म आनी चाहिए। और मैं प्रे करूँगी कि उन्हें जल्द से जल्द सज़ा मिले, इस चीज़ के ऊपर एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो आगे भी ये चीज़ें होती रहेंगी, कभी बंद नहीं होंगी, क्योंकि उन्हें लगेगा कि उनके ऊपर तो कुछ होगा ही नहीं, वो बस करके और चले जाएंगे। तो आई विश कि उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी वाली सज़ा मिले। काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि रेप्स तो हमारे देश में लिटरली हर रोज़ होते हैं, हर जगह से खबरें मिलती है, विच इज़ रियली 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 सैड। पर हर एक केस के डिटेल्स हम तक नहीं पहुंचते हैं या हर एक न्यूज़ बाहर नहीं आती है, बट दिस इज़ वेरी सैड कि इतनी सारी चीज़, इतनी घिनौनी हरकत हमारे देश में लिटरली हर रोज़ हो रही है। ये चीज़ हमारे देश से जल्द ख़त्म होनी चाहिए। हम लड़कियों को एक कैफ्री एटीट्यूड से इस दुनिया में, इस देश में, इस धरती पे जीने का हक होना चाहिए। आज कहते हैं कि हमारे देश में लड़कियां इतनी चांद को पहुंच गई है, ये कर रही है, वो कर रही है, हर फील्ड में एक्सेल कर रही है, लेकिन अगर ऐसा अभी भी हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में हम लड़कियों को आज़ादी मिली है। पनिशमेंट सख्त से सख्त होनी चाहिए, मतलब सिर्फ सज़ाए मौत नहीं, मौत से पहले मुझे लगता है जितना टॉर्चर हो सकता है उस इंसान को जो एक लड़की को टॉर्चर करता है, जो रेप करता है उस आदमी को, उस लड़के को, उस दर्द को महसूस कराने के लिए जो हमारा फैसले लेते हैं हमारे कोर्ट्स, हमारी पुलिस, जितना टॉर्चर कर सके उस इंसान को, और फिर ऑब्वियसली उसे सजाए मौत दी जाए। There has to be an immediate action and they should be killed. मेरा बस चले तो मैं उनको भी उतनी ही बदतर मौत दे पाऊँ, पर जो उस लड़की पे बीती है उसको तो कुछ या कोई भी सज़ा बीट कर ही नहीं सकती। देखिए, आई थिंक ये बहुत ही डीप क्वेश्चन है, इसको आपको दो लाइन में मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी, बट आई डू थिंक कि हमारा जो इंडियन जुडिशरी है उसे थोड़ा सा तो कुछ स्टैंड लेना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो सबको आगे आके इसके बारे में इसको प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। ये बेसिक ह्यूमन राइट की बात है। मैं ये भी नहीं कहती कि ये फेमिनिज्म की बात है या मेल फीमेल की बात है, दिस इज़ अ बेसिक ह्यूमन राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ, वी आर टॉकिंग अबाउट रेप। तो अभी हमें बहुत बहुत लंबे रास्ते जाना है टू मेक द विमेन एंड द इंडिविजुअल्स ऑफ दिस कंट्री सिक्योर।